एसेंट फॉर्मूला। तो एनसीईआरटी के डायग्राम जानते हो, तो उस जगह पे इस डायग्राम को एक बार देखो। ये वाला मिनिस्कस है, मिनिस्कस कॉनकेव टाइप का है। ये वाला इनसाइड प्रेशर है पी आई, और पी ओ जो है आउटसाइड प्रेशर। और जैसे हम लोग जानते हैं ये जो लिक्विड सर्फेस होते हैं उसमें जो एक्सेस प्रेशर होता है दैट इज इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर। ओके, इनसाइड माइनस आउटसाइड, वो कितना होगा 2s अपॉन r होगा। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत बढ़िया तरीका से, ये जो r है वो मिनिस्कस का रेडियस है। एनसीईआरटी इस मिनिस्कस का रेडियस को स्मॉल r लिखा है, तो हम भी स्मॉल r लिख दिया तो तुम लोग को आसान हो जाएंगे। ओके, तो पी आई माइनस पी नॉट इक्वल्स टू 2s अपॉन r हो गया। तो ये वाला i, ये वाला o, ठीक है। अभी हम लोग चेक करें इस जगह पे, दैट मीन्स इस पर्टिकुलर जगह पे लेस प्रेशर है पी आई माइनस पी नॉट। तो पी नॉट इक्वल्स टू क्या होगा, पी आई माइनस टू असम दिस वन। तो इनसाइड प्रेशर ज़्यादा है, इनसाइड प्रेशर जो है वो किसके बराबर है, एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, इसलिए पी ए लिखा है। ओके, ये वाला पॉइंट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, अभी आई मान लो कि जब कैपिलरी राइज अप हो रहा है, ये इतना डिस्टेंस तक कैपिलरी राइज अप हो चुका है। ओके, कितना, इतना डिस्टेंस तक। ओके, तो इसमें जो प्रेशर है वो किसके बराबर होगा, एच रो जी के बराबर होगा। ओके, अभी नाउ यू कंसीडर टू पॉइंट्स। ओके, यहाँ पे एक पॉइंट लो, अच्छा एक मिनट सिलेक्ट कर लेते, यहाँ पे एक पॉइंट, दिस अ बी पॉइंट, दिस वन इज द ए पॉइंट, दो पॉइंट। ये जस्ट दोनों सेम लाइन में है, ये सब एक ही लाइन में, ए पॉइंट और बी पॉइंट। ओके, और हम लोग जानते हैं कि कोई लिक्विड होगा जब उसका हाइट बराबर है तो ए में जो प्रेशर होगा बी में भी सेम प्रेशर होंगे, ठीक है, ए और बी पॉइंट दोनों पॉइंट में सेम प्रेशर होंगे। ओके, अभी बी में टोटल प्रेशर कितना है, ये जो आउटसाइड था, आउटसाइड में जो प्रेशर था, ओके, वो कितना था, पी आई माइनस टू एस अपॉन आर था। ओके, उसके साथ कौन जोड़ गया, दैट इज जो एज रोजी ऐड हो जाएगा। ओके, तो टोटल प्रेशर बी में आ जाएंगे। तो प्रेशर एट बी, बी में जो प्रेशर आएगा वो कितना होगा, जो आउटसाइड प्रेशर है पी ओ प्लस एच रो जी, ठीक। अभी जो पी ओ प्रेशर है, आउटसाइड में जो प्रेशर है, आउटसाइड प्रेशर तो कम है, वो कितना, पी आई माइनस टू एस अपॉन आर प्लस एच रो जी। ओके, ये भी हो गया। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो पी पॉइंट में तो एक बार डायग्राम को बता देते, जो पी पॉइंट में जो प्रेशर आया वो किसके बराबर होगा, आउटसाइड प्रेशर प्लस एच रो मिल के टोटल प्रेशर होंगे। ओके, इस जगह का प्रेशर प्लस ए जीरो जी। तो और एक बार लिख देता हूँ, पी बी डायग्राम के नीचे लिख देता हूँ, पी बी इक्वल्स टू आउटसाइड प्रेशर प्लस ए जीरो जी। आउटसाइड प्रेशर क्या होता है, इनसाइड प्रेशर माइनस टू एस अपॉन आर प्लस एच रोजी। अच्छा, इस जगह में यहाँ पे प्लेस थोड़ा कम है, इसको इसको ध्यान रखना, इसको लिख के रख देना है, पी बी में प्रेशर इतना होगा। अभी पी बी में जो प्रेशर होगा, बिकॉज पी बी पॉइंट और ए पॉइंट सेम लाइन में है, तो इसको हमने दैट इज ये लिख सकते हैं, पी ए के प्रेशर भी वही रहा ए पॉइंट में जो प्रेशर है। अच्छा, ये तो पता ही होगा कि ए पॉइंट में जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, और जो इनसाइड प्रेशर भी क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। ओके, तो ए वाला भी क्या हो जाएंगे,
एटमोस्फेरिक प्रेशर पी ए और ये वाला भी एटमोस्फेरिक प्रेशर पी ए, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो अभी जब कैंसिल हो जाएंगे तो एच रो जी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2S/R आ जाएंगे। लेकिन ये जो R यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है इस जगह, वो वाला आर क्या है, मिनिस्कस का रेडियस है। बट वी आर कॉन्सर्निंग विद द रेडियस ऑफ ए, रेडियस ए, ए किसका रेडियस है, ट्यूब का रेडियस है। तो इसको साफ कर देते हैं, थोड़ा डायग्राम को नीचे ले आते हैं। अच्छा, नाउ अबाउट द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, जो मान लो जिस ट्यूब के अंदर रखा है, ग्लास ट्यूब हो, मान लो जो ट्यूब के अंदर रखा है कैपिलरी ट्यूब, ओके, तो क्या होता है कि ये जो टेंजेंट होगा ए वाला टुवर्ड्स द लिक्विड होगा, और इसका जो टेंजेंट होगा अवे फ्रॉम द सॉलिड सरफेस, ओके, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट एंगल, दैट इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ओके। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ होगी, इस जगह पे जो एंगल होगा इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, इस जगह पे क्या होगा, थीटा एंगल होगा। अब ये क्या टेंजेंट है, और ये वाला रेडियस है किसका, मिनिस्कस का, ओके, मिनिस्कस का। तो अब ये वाला थीटा है, ओके, ये वाला थीटा एंगल है, और ये वाला रेडियस, ये वाला टेंजेंट है, ओके। और एक बार एक लाइन से बना देते, ये रेडियस और ये वाला इसका टेंजेंट, ये वाला, तो ये दोनों के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री। और दूसरा जो पार्ट है, ये जो ट्यूब है, थोड़ा इसको स्लो कर देता हूँ, ये जो ट्यूब है, यहाँ से एक ऐसा लाइन खींच लो, ये ट्यूब का रेडियस है। तो ट्यूब का रेडियस और ये वाला, ये भी 90, दोनों ही 90-90 करके हो गया, ओके। तो और एक बार चेक कर लो, तो ये वाला थीटा है, ये वाला थीटा है, ये जो टेंजेंट दिखाई दे रहा है आर के बीच में 90 डिग्री है। तो अभी हम लोग ऐसा ले लेते हैं, ये जो इसको तो थीटा बोल दिया, इसको हमने अल्फा बोल दिया, इस एंगल को, ये वाला भी थीटा था, थोड़ी देर के लिए इस एंगल को बीटा बोल देता हूँ। तो हम लोग का देखेंगे थीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, बीटा प्लस अल्फा। तो अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएंगे, तो बीटा इक्वल्स टू क्या होगा, थीटा हो जाएंगे, ओके। और इस जगह पर वही होते हैं, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ओके। तो अभी हम लोग का डायग्राम भी क्लियर हो गया, ओके। तो नाउ दिस इज द थीटा, दिस इज द आर, दिस इज द ए। तो ये जो है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। तो थीटा एंगल हो, तो अभी ये जो होगा तुम्हारा आर जो है, ए वाला ए, तो ए अपॉन आर इक्वल्स टू कॉस थीटा में चलेंगे, एक मिनट, ए वाला और ए आर है, ठीक है। ए वाला तुम्हारा हो गया बेस एंगल, बेस, और ये वाला हो गया हाइपोटेनियस आर। तो ए अपॉन आर इक्वल्स टू क्या होगा, कॉस थीटा होगा। तो ए इक्वल्स टू आर कॉस थीटा हो जाएगा, ओके, दैट इज ए अपॉन आर इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो ए इक्वल्स टू क्या होगा, आर कॉस थीटा, ओके, जो ट्यूब का होते हैं, ओके, जो ट्यूब का ये होता है, ठीक है। तो हम लोग का पहले जो था आर था, उस जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर की जगह पे ये अपॉन कॉस थीटा ले जा सकते हैं, ओके। तो पहले जो हम लोग को आया था आर की जगह पे, पहले हम लोग को आए थे ए
H equals to 2S upon R I. अभी हम लोग 2S R की जगह पे क्या लिखेंगे, एच रोजी, ठीक है, एच रोजी आया था 2S अपॉन R के बराबर। अभी हम लोग पहले एंगल से लिया था, दैट इज R के वैल्यूज पुट कर देंगे तो ए अपॉन R इक्वल टू cos थीटा था, ए अपॉन R इक्वल टू cos थीटा था, तो R इक्वल टू क्या होगा, ए अपॉन cos थीटा, ये अपन cos थीटा, तो cos थीटा ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा 2s cos थीटा नीचे ही रहेगा और जो रोज इस तरफ पे आ जाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे h इक्वल्स टू 2s cos थीटा अपॉन r रोज। ओके ठीक है, इतना तक हो गई।